हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। और ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, साथ ही साथ बहुत इंपॉर्टेंट भी होने वाली है। बिकॉज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ एक और एप्लीकेशन के बारे में। एप्लीकेशन क्या है? एप्लीकेशन है टीम व्यूवर। टीम व्यूवर कैसे काम करती है वो मैं आपको बता देता हूँ स्टेप बाई स्टेप। आपको सही तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ कि टीम व्यूवर का सही तरीका यूज करने का क्या है। मोबाइल से दिखाने वाला हूँ कि मोबाइल से किस तरह से यूज किया जाता है टीम व्यूवर को। अब चलते हैं अपने मोबाइल की डिस्प्ले पर। तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी डिस्प्ले पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं दो डिस्प्ले हैं और आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि टीम व्यूवर कैसे काम करती है मोबाइल में। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊँगा, समझने की कोशिश करना प्लीज़। सबसे पहले हम अपने प्ले स्टोर में जाते हैं और इसके भी प्ले स्टोर में चले जाते हैं। दोनों स्क्रीन आपको दिख रही होंगी प्रॉपर। एक में यहाँ पर देख सकते हैं टीम व्यूवर क्विक सपोर्ट है और एक में आप देख सकते हैं टीम व्यूवर रिमोट है। ठीक है, तो मैंने यहाँ से दोनों को इंस्टॉल किया हुआ है प्ले स्टोर से। तो मैं इसको यहाँ से ओपन कर लेता हूँ और इसको भी ओपन कर लेता हूँ। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ आईडी नंबर ये इसका दिख रहा होगा आपको। अब ये आईडी नंबर हम इसको इसके अंदर डालेंगे, ठीक है, अपनी पार्टनर आईडी वाली में। जो मेरी आईडी है, इस आईडी को इस दूसरे वाले फ़ोन में डालूँगा मैं, तो मैं डाल देता हूँ दूसरे वाले फ़ोन में। ये है 3, यहाँ पर मैंने डाली हुई थी इसको, तो मैं इसको यहीं पर क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद रिमोट कंट्रोल पर मैं क्लिक करता हूँ। प्लीज़ वेट फॉर कनेक्टिंग, अभी उसमें कनेक्टिंग लग रही है। यहाँ पे कुछ इस तरह का मैसेज आएगा तो उसको आप अलाउ कर देंगे और उसके बाद आप देखेंगे। और यहाँ से स्टार्ट नाउ जब आप करेंगे तो आप देख सकते हैं कि आपकी डिस्प्ले इस फ़ोन में आ जाएगी। तो ये आप देख सकते हैं, ये मेरी डिस्प्ले पूरी इधर आ गई है। तो जिस तरह से मैं इसके अंदर काम करूँगा, मैं मतलब ईजिली से एक्सेस कर सकता हूँ इन दोनों डिस्प्ले को, मैं ईजी से एक्सेस कर सकता हूँ। अगर जो एक मोबाइल में कुछ फॉल्ट है और टीम व्यूवर से इस तरह से कनेक्ट करके हम उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और मतलब कुछ भी प्रॉब्लम, बहुत सारी प्रॉब्लम आती हैं, आईडी नहीं बनती, जीमेल अकाउंट नहीं बनता, फेसबुक पे कैसे अकाउंट बनाना है वो नहीं बनता, और आपको यूट्यूब पे कैसे अकाउंट बनाना है वो नहीं बनता। तो हम इस तरह से अपनी स्क्रीन शेयर करके एक दूसरे के काम आ सकते हैं। अच्छी एप्लीकेशन है और मैं काफ़ी समय से टीम मेम्बर को यूज़ कर रहा हूँ। ऐसे ही मैं एनीडेक्सो भी काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहा था। दोनों के दोनों बहुत अच्छी हैं एप्लीकेशन। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।